नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट थर्ड कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे अपना रिंग थ्योरी जो चैप्टर था वो चल रहा था। और रिंग थ्योरी में अपन ने रिंग के बारे में पढ़ा था, इंटीग्रल डोमेन के बारे में पढ़ा था, फील्ड के बारे में पढ़ा था, कुछ थ्योरम्स भी अपन ने की थी, कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। उसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप वीडियोस को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, जिससे वो भी इन फ्री ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस का फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, अपन कंटिन्यू करें। रिंग थ्योरी, अच्छा वो एग्जाम्पल तो मैंने बताई थी, वो कर लेना भाई आपने। एक दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद 2020 में आया था ये एग्जाम जो हुई थी उसमें, कि तत्सम के वलय के एकांकों का समुच्चय है वो गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। क्या देखो थ्योरम, तत्सम की वलय के एकांकों का समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप होता है। अब आपको पता है दोस्तों कि ग्रुप बताने के लिए आपको चार प्रॉपर्टी बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को उतारिए, एक तत्सम की वलय है उसके एकांक। सबसे पहले तो दोस्तों एकांक क्या होते हैं, किसी भी वलय के वे एलिमेंट जिनका गुणन प्रतिलोम उपस्थित होता है वो वलय के एकांक कहलाते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था कि भाई जेड प्लस डॉट एक वलय होती है, और जेड प्लस डॉट के अंदर 1 और -1 के गुणन प्रतिलोम होते हैं। इसका मतलब जेड प्लस डॉट के अंदर अगर एकांक बताए तो वो क्या होते हैं, 1 और -1। तो आपको ये समझना है कि अगर कोई वलय है, उस वलय के वो एलिमेंट जिनका गुणन प्रतिलोम उपस्थित होता है वो वलय के एकांक कहलाते हैं। चलो ठीक है, इसको प्रूफ पार्ट पे अपन चलें, इंपॉर्टेंट है भाई। एक वलय लेनी पड़ेगी, वो तत्सम की होनी चाहिए। तत्सम की का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वलय जिसमें गुणन तत्सम का भी उपस्थित हो उसे तत्सम की वलय या इकाई सहित वलय कहते हैं। माना कैपिटल आर एक तत्सम की वलय है, तथा तत्सम की वलय है तो इसमें गुणन तत्सम का भी उपस्थित होगा, तथा वन बिलोंग्स टू आर का
वन बिलोंग्स टू आर का गुणन तत्समक अवयव है। ठीक है, मैंने तत्सम की वलय बोल दिया और वन बिलोंग्स टू आर का क्या है, गुणन तत्समक अवयव है। अच्छा, माना वलय कैपिटल आर के एकांकों का समुच्चय U है। भाई ये वलय है R। अब वलय में तो प्रत्येक एलिमेंट का गुणन प्रतिलोम उपस्थित होना जरूरी नहीं होता। वलय में तो प्रत्येक एलिमेंट का गुणन प्रतिलोम उपस्थित होना जरूरी नहीं होता। जैसे वलय में 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंटों में 5 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका गुणन प्रतिलोम उपस्थित है। इसका मतलब वो 5 एलिमेंट है वो वलय की क्या कहलाते हैं, एकांक कहलाते हैं, वलय के एकांक कहलाते हैं। तो मैंने उन एकांकों का एक समुच्चय बना लिया। वलय में वे अवयव जिनका गुणन प्रतिलोम उपस्थित है उन एलिमेंटों को उठा लिया, उनका एक सेट बना लिया और उस सेट को क्या नाम दे दिया, यू नाम दे दिया। ठीक है, और ये जो एकांकों का जो समुच्चय यू बना, इसको गुणन संक्रिया के लिए हमारे को क्या सिद्ध करना है, गुणन संक्रिया के लिए हमारे को ग्रुप सिद्ध करना है। तो मैं लिख देता हूं, हमें एकांकों के समुच्चय कैपिटल यू को गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप सिद्ध करना है, ग्रुप सिद्ध करना है। अब ग्रुप सिद्ध करने के लिए भाई एकांकों का समुच्चय है यू और इसको ग्रुप बताना है। ग्रुप के लिए चार नियम, समवर्ता, साचर्य, तत्समक और प्रतिलोम। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूं, तत्समक अवयव का अस्तित्व है। देखना दोस्तों, भाई वलय है वो तत्सम की वलय है, तत्सम की वलय है तो वन है वो वलय में बिलोंग करेगा। वन को अगर आप वन से गुणा करोगे तो वन आएगा। इसका मतलब जैसे वन एलिमेंट है वो रिंग का है, वन एलिमेंट को वन से गुणा करने से तत्समक अवयव आया, तत्समक अवयव आया, इसका मतलब वन का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है या नहीं। अरे भाई इस एलिमेंट का प्रतिलोम ये हो गया। जैसे प्रतिलोम में अपन ये पढ़ते हैं ना कि ए को बी से गुणा करने से अगर गुणन तत्समक अवयव आ जाए तो ए का प्रतिलोम बी को कहा जाता है। तो वन को वन से गुणा करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, इसका मतलब इस वन का प्रतिलोम ये है। तो वन का प्रतिलोम एग्जिस्ट कर रहा है और जिस एलिमेंट का प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है वो उसका क्या कहलाता है, एकांक कहलाता है। तो मैं बोल दूंगा कि जब भाई वन है, वन का गुणन प्रतिलोम एग्जिस्ट कर रहा है तो वन एकांक है और एकांक है तो वो एकांकों के समुच्चय के अंदर आ जाएगा। जो वन है वो एकांक है, एकांक है तो बताओ फिर वो किस में आ जाएगा, जो एकांकों का जो समुच्चय लिया था अपन ने यू, यू के अंदर बिलोंग करेगा। मैं ऐसे लिख देता हूं, वन एलिमेंट रिंग का इस प्रकार है सच दैट, वन एलिमेंट रिंग का इस प्रकार है कि वन को वन से गुणा किया तो वन, इसका मतलब वन का प्रतिलोम उपस्थित है तो वन यू में आ गया, एकांकों के समुच्चय यू में आ गया। अर्थात एकांकों के समुच्चय यू में गुणन तत्समक अवयव एकांकों के समुच्चय यू में गुणन तत्समक अवयव उपस्थित है। चलो ये हो गया, तत्समक अवयव का अस्तित्व हो गया। दूसरा,
प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। देखो दोस्तों, आपने जो यू समुच्चय लिया है, एकांकों का समुच्चय यू लिया है, तो यू में प्रत्येक एलिमेंट ऐसा होगा या नहीं होगा जिसका गुणन प्रतिलोम उपस्थित है? यू में तो प्रत्येक अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है। क्यों है? क्योंकि आपने रिंग के ऐसे एलिमेंट उठाए, आपने जैसे ये वलय है, इस वलय में से ऐसे एलिमेंट उठाओ जिनका गुणन प्रतिलोम उपस्थित है, और उनको आप और उन एलिमेंटों को जो एलिमेंट उठा रहे हैं उनका समुच्चय आप यू बना लो। तो आपने जैसे रिंग में से 5 एलिमेंट उठाए और 5 एलिमेंट ऐसे उठाए जिनका गुणन प्रतिलोम उपस्थित है, तो उन 5 एलिमेंटों का समुच्चय यू बना, और उस समुच्चय को जैसे यू कह रहे हैं यहाँ पे, तो यू में तो प्रत्येक अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है, तभी तो आपने क्या किया है, तभी तो उनको एकांक कहते हैं। अरे भाई, यू क्या है? यू है वो एकांकों का समुच्चय है। और एकांक क्या है? एकांक एक ऐसा एलिमेंट होता है जिनका गुणन प्रतिलोम उपस्थित होता है। तो मैं ये बोल दूंगा यहाँ पे, ये तो सीधा ही यू एकांकों का समुच्चय है, एकांकों का समुच्चय है, यू है वो एकांकों का समुच्चय है, अतः कैपिटल यू में प्रत्येक अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है। और इस चीज को मैं इसे समझूं, सुनना ध्यान से। जैसे रिंग है R, A, B, C, O, D और E, रिंग में 5 एलिमेंट है, और 5 एलिमेंट ऐसे हैं कि A का प्रतिलोम तो B है और C का प्रतिलोम D है, ठीक है? अच्छा, A का प्रतिलोम B है, C का प्रतिलोम D है, और E और F दो एलिमेंट और, इसका प्रतिलोम तो ये, इसका प्रतिलोम ये, तो A एलिमेंट का प्रतिलोम B है, तो बताओ फिर आपने इस रिंग में से एलिमेंट उठाओ, किस किस का प्रतिलोम एग्जिस्ट कर रहा है? ए का कर रहा है। अब ए का प्रतिलोम बी है, तो बी का प्रतिलोम ए होगा, इसका मतलब बी का भी है। सी का प्रतिलोम डी है, तो सी, और सी का प्रतिलोम डी है, तो फिर डी का प्रतिलोम सी होगा। तो इस रिंग में से ये 4 एलिमेंट उठा लिए, और ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका गुणन प्रतिलोम एग्जिस्ट कर रहा है, तो बताओ, और इन 4 एलिमेंटों के समुच्चय को यू कहा जाता है, जिसको अपन किससे दर्शा रहे हैं? यू से दर्शा रहे हैं। अब बताओ, यू में प्रत्येक एलिमेंट का गुणन प्रतिलोम है या नहीं है? यू में तो प्रत्येक एलिमेंट का गुणन प्रतिलोम है, क्योंकि आपने जो यू सेट बनाया है इस प्रकार से है, ए का प्रतिलोम बी, बी का प्रतिलोम ए, सी का प्रतिलोम डी, और डी का प्रतिलोम सी। तो यही तो लिखा है मैंने कि यू एकांकों का समुच्चय है, अतः यू में प्रत्येक अवयव का गुणन प्रतिलोम होगा। समझ में आ गया होगा ये? तो दो नियम तो मैंने बता दिए भाई, आप इनको उतारो, तत्समक अवयव का अस्तित्व और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, फिर इसके आगे अपन चलेंगे। ठीक है, चले आगे। ओके, देखो, तत्समक प्रतिलोम साहचर्यता, साहचर्यता में क्या लिखूंगा मैं, साहचर्यता में ये लिखूंगा, देखो कि आप जो एकांक U उठा रहे हो वो उठा किससे रहे हो? भाई, आप जो U सेट बना रहे हो वो R से ही तो बना रहे हो। अरे, रिंग के एलिमेंट, रिंग के ऐसे एलिमेंट जिनका गुणन प्रतिलोम उपस्थित है, उनको उठाकर आपने U बनाया है, तो मैं क्या लिखूंगा, U सबसेट R। भाई, U का प्रत्येक एलिमेंट रिंग का एलिमेंट होगा, तथा R एक वलय है, R एक वलय है जिसमें गुणन संक्रिया के लिए
यूं सबसेट आर तथा आर एक वलय है जिसमें गुणन समक्रिया के लिए साहचर्यता नियम की पालना होती है। अतः यू में भी गुणन संक्रिया के लिए साहचर्यता नियम की पालना होगी। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि याद रखना कुछ मैं बोलता हूं, साहचर्यता, क्रम विनियमता और बंटनता। साहचर्यता एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और अपना डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी बंटनता, ये तीन ऐसे नियम हैं जो किसी सेट में लागू होते हैं तो हमेशा उसके सबसेट में लागू होते हैं। क्या बोला मैंने? क्रम विनिमयता, साहचर्यता और बंटनता तीन ऐसे नियम हैं जो किसी सेट में लागू होते हैं तो उसके सबसेट में लागू होते हैं। तो मैंने क्या बोला कि भाई आपने एकांक का जो समुच्चय यू लिया है वो आर का सबसेट है, वलय का सबसेट है, और आर क्या है? वलय है, और वलय में गुणन संक्रिया के लिए हमेशा साहचर्य नियम की पालना होती है, इसलिए कैपिटल यू में भी गुणन संक्रिया के लिए साहचर्य नियम की पालना होगी, क्योंकि जो नियम, ये जो साहचर्यता का नियम सेट में लग रहा है तो हमेशा उसके सबसेट में भी लागू होता है। आगे संवर्तता, संवर्तता में क्या लिखेंगे? देखो लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू यू के लिए, मान लो ए और बी यू के दो अवयव है, मतलब एकांक है, और एकांक है मतलब इनका गुणन प्रतिलोम उपस्थित है। ए एंड बी बिलोंग्स टू यू के लिए अवयव सी एंड डी बिलोंग्स टू यू इस प्रकार है कि मैंने क्या किया भाई, ए और बी यू के दो अवयव ले लिए, इसका मतलब ए और बी एकांक है, तो इनका गुणन प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा, तो ए का गुणन प्रतिलोम तो मैंने सी को मान लिया और बी का गुणन प्रतिलोम किसको मान लिया? डी को। इस प्रकार है कि ए सी बराबर वन बराबर सी ए, भाई ए को सी से गुणा किया तो वन, इसका मतलब ए का प्रतिलोम तो आपने सी को मान लिया और बी का प्रतिलोम आप डी को मान लो, तो बी डी बराबर वन बराबर डी बी। अरे भाई कैपिटल यू में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम होता है, ए और बी के प्रतिलोम आपने सी और डी मान लिए तो आपने भी ये प्रतिलोम की जो कंडीशन होती है उसको लिख दिया। अब देखो नाउ ए बी डी सी, एक बार इनका गुणनफल निकालता हूं। अब ए बी डी और सी सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं? यू के हैं। सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं? यू के हैं। तो मैं ये लिखूंगा कि ए और यू में साहचर्य नियम लागू होता है, ऊपर बता दिया, तो बी और डी को तो एक जगह ले लो आप और इस सी को बाहर निकाल ए, और ये बी डी बराबर वन है तो बी डी का मान उठा के यहाँ रख दिया तो सी, तो ये बन गया ए सी, और ए सी का मान उठा के यहाँ पे वन पुट कर दिया तो ए बी डी सी बराबर कितना आ गया? वन। एक बार इस डी सी को आगे कर लो और ए बी को पीछे कर लो, साहचर्यता नियम लगा के आप डी सी ए बी लिख दो, तो डी सी ए, सी ए की जगह वन रख दो और बी, तो ये डी बी, और डी बी का मान कितना? वन। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? अतः
अतः ए बी का गुणन प्रतिलोम भाई आपने ए बी को डी सी से गुणा किया तो तत्सम अवयव आ गया, आपने ए बी को डी सी से गुणा किया तो तत्सम अवयव आया, इसका मतलब ए बी का गुणन प्रतिलोम डी सी हो गया, अतः ए बी का गुणन प्रतिलोम डी सी है, ए बी का गुणन प्रतिलोम डी सी है। अब ए बी का गुणन प्रतिलोम डी सी हो गया दोस्तों, तो इंप्लाई लगा के मैं लिख दूंगा कि जो ए बी है वो किस में बिलोंग करने लग गया, यू में बिलोंग करने लग गया। क्यों? क्योंकि आपने कैपिटल यू तो किसको माना है, ऐसे एलिमेंटों का समुच्चय माना है कैपिटल यू को जिनका गुणन प्रतिलोम उपस्थित होता है, और यहां से मैंने बताया कि ए बी का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है तो ए बी किस में आ गया, यू में आ गया। अब देखो भाई, जिस भी एलिमेंट का गुणन प्रतिलोम उपस्थित होता है वो एकांक कहलाता है और वो एकांकों के समुच्चय यू में बिलोंग करता है। मैंने ए एलिमेंट यू का माना था, ए एलिमेंट यू का माना था, और बी एलिमेंट भी मैंने यू का माना था, ए एलिमेंट यू का माना था, बी एलिमेंट यू का माना था, यहाँ से ये क्या आ गया, ये ए बी एलिमेंट भी किस में आ गया, यू में आ गया। ए एलिमेंट यू का, बी एलिमेंट यू का और ए बी एलिमेंट भी यू में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये संवर्ता नियम ही है, अतः कैपिटल यू में संवर्ता नियम कैपिटल यू में संवर्ता नियम सत्य है। चलो कैपिटल यू में संवर्ता नियम सत्य हो गया तो ए और बी यू के, इसी प्रकार आप सी डी को भी यू में बता सकते हो, तो वो तो कोई जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे आपने तत्समक अवयव बता दिया, वन बिलोंग्स टू यू में, प्रतिलोम यू के तो एलिमेंट, यू में तो एलिमेंट ही ऐसे होते हैं जिनमें प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम हो, तो प्रतिलोम हो गया, साचर्य हो गया, संवर्ता, इतना उतार लो, लास्ट में लिखना। अतः स्पष्ट है कि जो कैपिटल यू है वो गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है, एक ग्रुप होता है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आपको लास्ट में लिखना है, ये जो लाइन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अतः स्पष्ट है कि कैपिटल यू गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने ये थ्योरम कर ली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जिसमें एकांकों के समुच्चय लेना था मेरे को और उसमें ग्रुप बताना था, तो ग्रुप की जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है वो सारा बता दिया है। आप इसको कीजिए और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं आगे की कुछ थ्योरम्स के बारे में बात करता हूँ। हटा दे क्या इसको, इंपोर्टेंट लगा के कर लेना भाई इसको, ओके। चलो अपन आगे बढ़े,
नेक्स्ट थ्योरम है दोस्तों, शून्य भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होता है, और ये थ्योरम है वो 2017 में आई हुई है भाई, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। शून्य भाजक रहित लेना है, परिमित क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होता है। परिमित क्रम विनिमय 2014 और 17। चलो मैं स्टेटमेंट को तो लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इस साल के लिए। सिद्ध करो कि ये थोड़ा बोर्ड की प्रॉब्लम है भाई, बार बार अव्यवस्था हो रही है। सिद्ध करो कि शून्य भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वलय, शून्य भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वलय, परिमित क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होता है। शून्य भाजक रहित एक ऐसी वलय जो शून्य भाजक रहित भी होनी चाहिए, परिमित भी होनी चाहिए और क्रम विनिमय भी, उसको क्षेत्र बताना है। अब दोस्तों मेरे को ये बताओ कि जब अपन क्षेत्र सिद्ध करते हैं तो क्षेत्र के लिए अपने को क्या क्या बताना होता है कि एक ऐसी वलय जो क्रम विनिमय हो और उसके अंदर गुणनतत् समकवयव भी उपस्थित होना चाहिए और शून्य भाजक रहित तो नहीं आता, वो तो पूर्णांक के प्रांत पे आता है। एक ऐसी वलय जो क्रम विनिमय हो तत्सम की और प्रत्येक शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम हो तो वो क्षेत्र कहलाता है। यही तो पढ़ाता ना, एक ऐसी वलय जो क्रम विनिमय हो तत्सम की हो और प्रत्येक शून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम हो तो वो क्षेत्र कहलाता है। अब यहां इसमें क्रम विनिमय तो इसने दिया है, इस वलय को क्रम विनिमय तो दिया है, और क्रम विनिमय दिया है तो अपने को अब दो चीजों की जरूरत है। किसकी? एक तो मेरे को यह बताना है कि ये जो वलय है वो तत्सम की होगी, तत्सम की का मतलब गुणन तत्सम कवि उपस्थित होगा, और दूसरा मेरे को बताना है कि ये जो वलय दी गई है उसमें प्रत्येक शून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम में उपस्थित है। तो पहले तो मैं इनके बारे में लिख देता हूं, फिर अपन इस थ्योरम को पढ़ते हैं। क्या दिया है और क्या लाना है वो लिख देता हूं। प्रूफ, माना कि वलय कैपिटल आर शून्य भाजक रहित परिमित व क्रम विनिमय वलय। मान लो कि जो वलय आर है वो शून्य भाजक रहित है, परिमित है और क्रम विनिमय वलय है। हमें वलय आर को क्षेत्र सिद्ध करना है। वलय आर को बताओ क्या सिद्ध करना है? क्षेत्र है। अब क्षेत्र सिद्ध करने के लिए क्षेत्र में क्रम विनिमयता की कंडीशन होती है और एक तत्सम की होती है और प्रत्येक शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम, तो वो लिख देता हूं। क्षेत्र सिद्ध करना है, इसके लिए यह सिद्ध करना शेष है कि
इसके लिए यह सिद्ध करना शेष है कि पहला आर एक तत्सम की वलय है। भाई क्रम विनिमय तो दिया ही है, एक तो आर एक तत्सम की वलय है और दूसरा आर में प्रत्येक अशून्य अवयव का आर में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित होता है। ये दो चीजें अपने को बतानी है। तो अभी तक इतना तो मैंने ये तो लिखा था दिया गया है और ये क्या सिद्ध करना है। ठीक है भाई, अभी इतना उतार लीजिए फिर अपन इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चले ठीक है। अब ये वलय है वो परिमित है। परिमित का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वलय जिसमें एलिमेंटों की संख्या फाइनाइट होती है वो परिमित वलय है। माना कि वलय आर में परिमित है तो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे एन अवयव। मान लो माना कि वलय आर में एन अवयव ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन है। ये वलय आर में एन अवयव है और इन्हीं एन अवयव में से एक अवयव एक्स मान लो जो नॉन जीरो है। भाई ए वन ए टू ए थ्री ये एन अवयव है ना, इन एन अवयवों में से एक अवयव को मैंने एक्स मान लिया, एन अवयव है तथा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू आर का अवयव है। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है शून्य अवयव है क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो लिख दिया ना। तो ये जो एन अवयव थे उनमें से एक अवयव जो एक्स है वो कौन सा अवयव है? अशून्य अवयव है। ठीक है, अब x को मैंने इन n अवयवों में से एक अवयव को मैंने x मान लिया और उस अवयव को मैंने अशून्य बता दिया। अब दोस्तों ये x एलिमेंट भी इनमें से ही है तो x को मैं इन सबसे गुणा करूंगा तो वो भी वापस r के एलिमेंट ही बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि वलय r में गुणन संक्रिया के लिए संवर्तता नियमों की पालना होती है। गुणन संक्रिया के लिए संवर्तता नियम की पालना होती है तो x को अगर मैं इन सारे एलिमेंटों से गुणा कर दे तो वो भी वलय r के ही बनेंगे। तो मैं लिख देता हूं वलय में गुणन संक्रिया के लिए वलय में गुणन संक्रिया के लिए संवर्तता नियम की पालना होती है, अतः इस a1 को x से गुणा किया तो a1x a2x a3x डॉट 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 anx। x से प्रत्येक एलिमेंट को गुणा कर दिया भी वलय r के अवयव होंगे। वलय आर के अवयव होंगे, ये भी वलय आर के अवयव होंगे ए वन एक्स ए टू एक्स ए थ्री एक्स ए एन एक्स। अब दोस्तों ये जो ए वन एक्स ए टू एक्स ए थ्री एक्स ए एन एक्स है इन सारे एलिमेंटों को मेरे को अलग अलग बताना है तभी तो एन अवयव होंगे ना। तो चलो इतना तो उतारिए आप। वलय आर के अवयव होंगे, इन सारे एलिमेंटों को मेरे को क्या बताना है कि अलग अलग होंगे। एक देता हूं मैं, अब हम यह सिद्ध करेंगे कि
यह सिद्ध करेंगे कि ये समस्त अवयव अब हम ये सिद्ध करेंगे कि ये समस्त अवयव क्या है, भिन्न भिन्न है, और इनको भिन्न भिन्न अपन बताएंगे दोस्तों कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, विरोधाभास विधि से। विरोधाभास विधि से क्या करते हैं कि उल्टा मान के चलते हैं कि भिन्न भिन्न नहीं, दो एलिमेंटों को समान मान के चलेंगे और लास्ट में बता देंगे कि अपन ने जो माना था वो गलत था, इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब इन अवयवों को अब हम सिद्ध करेंगे कि समस्त अवयव भिन्न भिन्न है, इसे हम विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे, ठीक है। यदि संभव हो तो माना अगर पॉसिबल है तो माना कि इसके दो एलिमेंट ai.x बराबर aj.x, भाई इनमें से वन से n में एक तो aix होगा और agx बराबर है, और जहां पे ai नॉट इक्वल टू ag, भाई ai नॉट इक्वल टू ag मतलब जैसे ai का मान तो है 10 और इसका मान है 20, तो a 10 है वो a 20 के बराबर नहीं है, लेकिन a10x बराबर a20x है। ओके, कहने का मतलब मैंने जैसे एक तो 15वीं पोजीशन और एक 25वीं पोजीशन ए आई और ए जे, 15वीं पोजीशन जैसे आई बराबर तो 15 मान लिया और जे बराबर मैंने मान लिया 25, तो मैंने 15वीं और 25वीं पोजीशन का जो एलिमेंट है ना उसको सेम मान लिया। अब सेम मानेंगे तो फिर एलिमेंटों का रिपीटेशन हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा कि भाई ये ए आई एक्स नॉट इक्वल टू ए जे एक्स होगा, इसका मान कभी भी बराबर नहीं होगा। तो आप देखना एक बार, आप इस चीज़ को दोस्तों ऐसे लिख सकते हो या नहीं, ए आई एक्स और इसको आप लेफ्ट में ले जाओ ए जे एक्स बराबर जीरो, और यहाँ से ए आई माइनस ए जे और डॉट एक्स बराबर जीरो। अच्छा, आपने शून्यभाजक रहित दिया है, आपके क्वेश्चन में शून्यभाजक रहित दिया है, शून्यभाजक रहित होता है तो देखो जैसे इस एलिमेंट को अल्फा मान लो, तो अल्फा डॉट एक्स बराबर जीरो है, अल्फा डॉट एक्स बराबर जीरो है, तो या तो अल्फा बराबर जीरो होता है या एक्स बराबर जीरो होता है, लेकिन एक्स तो आपने कौन सा अवयव माना है वलय का, अशून्य अवयव माना है, तो सीधी सी बात है कि ये नॉन जीरो है तो ये हमेशा जीरो होगा। मैं लिखूंगा वलय आर, तो शून्यभाजक रहित की कंडीशन भी काम में आ गई, वलय आर शून्यभाजक है रहित है, अतः है। अब अल्फा, इस पूरे को अल्फा मान लो, तो अल्फा डॉट एक्स बराबर जीरो है, तो दोनों में से कम एक जीरो होगा, अब ये तो जीरो है नहीं, इसको तो अशून्य मान के चलिए यहाँ से, तो ये जीरो, अतः ए आई माइनस ए जे बराबर जीरो, और यहाँ से ए आई बराबर कितना आ गया ए जे, ये तो गलत आ गया क्योंकि आपने तो ए आई नॉट इक्वल टू ए जे मान के चला था, जो कि असत्य है, अर्थात समस्त ए आई डॉट एक्स अवयव, ये सारे के सारे ए आई एक्स का मतलब है ए वन एक्स ए टू एक्स ए थ्री एक्स ए एन एक्स समस्त अवयव अलग अलग हैं, इन सारे एलिमेंटों को मैंने अलग अलग बता दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ अलग अलग बता दिया तो बताओ फिर ये कितने एलिमेंट हो गए, पहला दूसरा तीसरा n एलिमेंट हो गए ना, इसलिए मैंने r बराबर शुरू में तो n एलिमेंट ये माने थे a1 a2 a3 और an, ये तो n एलिमेंट थे और इनको भी आपने n एलिमेंट बता दिया, सबको अलग अलग बता दिया, तो ये किसके बराबर है a1x a2x an डॉट इतना उतार लो, ये भी एन अवयव हो गई 1 2 3 n और ये भी 1 2 3 n, क्योंकि सबको अलग अलग बता दिया तो ये अलग है ये अलग है ये अलग है, तो टोटल n एलिमेंट हो गए। तो आप इतना कीजिए दोस्तों।
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसान सा है सारा। चले अब मैं इधर का फोर्सन मेरे को उठाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखो, आपने एक्स एलिमेंट किसका माना था? रिंग का। नाउ एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए आपने एक्स एलिमेंट किसका माना था? रिंग का। तो एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए x belongs to R के लिए x एलिमेंट रिंग का है तो इधर कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा। x belongs to R के लिए AL belongs to R अवयव इस प्रकार उपस्थित है कि x अवयव के लिए एक्स एलिमेंट रिंग के लिए इनमें से कम एक अवयव इस प्रकार होगा कि देखो ए एल डॉट एक्स बराबर कितना हो जाए एक्स। इक्वेशन वन। अरे मैं ये कहना चाहता हूं कि ए वन एक्स ए टू एक्स ए एन एक्स में एक अवयव ए एल डॉट एक्स होगा या नहीं होगा? इनमें से एक अवयव होगा भाई। ये इधर के एन एलिमेंट हैं, वो इधर के एन एलिमेंटों के बराबर हैं, तो ए एल एक्स अवयव यहाँ का है, यहाँ का एक अवयव यहाँ के किसी ना किसी एक एलिमेंट के बराबर होगा। ए एल एक्स अवयव इस सेट का है वो किसी ना किसी एक एलिमेंट के बराबर होगा, तो मैंने वो किस एलिमेंट के बराबर मान लिया? एक्स एलिमेंट के बराबर मान लिया। ये ए एल एक्स तो इधर का है और उसको मैंने इसके एक एलिमेंट एक्स के बराबर मान लिया। देखो अब x के बराबर मान लिया और आपने जो वलय दी थी वो क्रमविनिमेय वलय दी थी तथा वलय r तथा वलय r क्रमविनिमेय है, अतः क्रमविनिमेय है तो भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ना क्या, ए एल डॉट एक्स बराबर एक्स डॉट ए एल, उसको डाल दिया समीकरण नंबर दो। आर क्रम विनिमय है तो समीकरण नंबर दो डाल दिया। ठीक है, नाउ वाई बिलोंग्स टू आर के लिए। अच्छा, अब मैंने इधर का एक एलिमेंट वाई माना, तो बताओ इधर के एक एलिमेंट वाई के लिए इधर भी एक एलिमेंट होगा या नहीं होगा? तो वाई बिलोंग्स टू आर के लिए एक अवयव ए एम बिलोंग्स टू आर इस प्रकार उपस्थित है कि वाई बिलोंग्स टू आर के लिए एक अवयव ए एम बिलोंग्स टू आर इस प्रकार उपस्थित है कि उस ए एम डॉट एक्स वाई बराबर आया ए एम डॉट एक्स। कहने का मतलब देखो भाई, इधर के ये अवयव हैं
इसमें ए का अवयव ए एम डॉट एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, इधर के ए का इन अवयवों में ए का अवयव ए एम डॉट एक्स बनेगा, और वो ए एम डॉट एक्स इधर के एक एलिमेंट के बराबर होगा, और वो कौन से एलिमेंट के बराबर होगा, वाई एलिमेंट के बराबर, मान लिया मैंने, इसको भी हटा देता हूँ, तो वाई एलिमेंट के बराबर, और जो ये जो वलय है भाई, ये भी वलय का एलिमेंट है, ये भी वलय का एलिमेंट है, और वलय है वो क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, तो इसको एक्स डॉट ए एम लिख दिया और इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ वाई डॉट ए एल, अब देखो भाई ए एल एलिमेंट भी रिंग का है और वाई एलिमेंट भी रिंग का है, तो वाई डॉट ए एल को आप ए एल डॉट वाई लिख दो तो कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी नहीं है, थोड़ी है, क्योंकि ए एल एलिमेंट भी रिंग का और वाई एलिमेंट भी रिंग का, और अपनी जो रिंग है वो क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय की कंडीशन लिख दी। अब एक काम कीजिए दोस्तों, आप एक काम ये करना है कि ए एल डॉट वाई, ए एल डॉट वाई की जगह ए एम रख दो इसकी जगह, और ए एल तो ऐसे कैसे, और y की जगह कितना रख दूँ, ये मान रख दो, y की जगह रख दो आप x डॉट ए एम, y की जगह x डॉट ए एम यूजिंग 3, इस y की जगह ये मान रख दिया। साचर्य नियम लगाओ तो ए एल डॉट एक्स डॉट ए एम, इन दोनों को एक जगह ले लिया, और ए एल डॉट एक्स की जगह x लिख दो वापस से, तो ये x डॉट ए एम, और x डॉट ए एम, x डॉट ए एम की जगह वापस कितना लिख दूं, y, तो ये बन गया y। सुनना ध्यान से, y एलिमेंट रिंग का, ए एल एलिमेंट रिंग का, रिंग क्रम विनिमय है, तो इसको ये लिख दिया, ए एल को ऐसे कैसे, y का मान उठा के x डॉट ए एम लिख दिया, साचर्यता की कंडीशन लगा के इन दोनों को एक जगह कर लिया, और ए एल डॉट x का मान यहां से x लिख दिया यूजिंग 2, और x डॉट ए एम की जगह वापस y। तो कहने का मतलब है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बना यहाँ से y डॉट ए एल बराबर आ गया y, y डॉट ए एल बराबर y, y डॉट ए एल बराबर y आ गया, इसका मतलब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से गुणा करने से, पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से गुणा करने से वापस पहला एलिमेंट आ गया, तो ए एल का मान 1 ही तो आया। अरे ए एल का मान अगर 1 होगा तभी तो ये बनेगा ना, अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि ए एल बिलोंग्स टू आर का गुणन तत्समक अवयव है। अरे एलिमेंट को आइडेंटिटी से गुणा करने से एलिमेंट बना तो ये आइडेंटिटी बन गया, और आइडेंटिटी कौन सी, आइडेंटिटी गुणन तत्समक अवयव। अब इधर वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं, ओके तो ये बार डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने, कौन कर रहा है बार बार कि क्लास के अंदर रिकॉर्ड होती रहती है। मेरे को बार बार बाहर जाके बोल के आना पड़ता है कि भाई क्लासें लग रही हैं। तो चलो y को al से गुणा करने से y बना, इसका मतलब al है वो गुणन तत्समक अवयव है, ठीक है, अर्थात al बराबर 1।
ये मान लिया। तो ए एल बराबर वन माना तो गुणन तत्सम अवयव है, और ऐसी वलय जिसमें गुणन तत्सम अवयव है वो वलय क्या कहलाती है? तत्सम की वलय है। स्पष्ट है कि वलय आर तत्सम की वलय है। तत्सम की तो हो गया। अब देखो एक चीज देखना, अभी मैंने लिखा था a1 a2 और एक एलिमेंट को आपने तत्समक अवयव 1 बता दिया ना, और ये an, भाई a1 a2 और एक बीच में 1 भी डाल लो, क्योंकि al एलिमेंट को आपने बीच में al आएगा और al की जगह कितना मान लिया 1, बराबर a1 डॉट x a2 डॉट x और an डॉट x। तो मैं लिखता हूँ अब क्या लिखता हूँ कि x नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू r के लिए, एक अवयव a मान लो, a बिलोंग्स टू r इस प्रकार है कि, या al हो गया, am हो गया, an मान लो आप, x नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू r के लिए एक अवयव an बिलोंग्स टू r इस प्रकार है कि, देखो a1x a2x anx, तो n तो लास्ट में आ ही गया, तो n मत मानो, a अल्फा मान लो, क्या मान लो, a अल्फा। तो x नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू r के लिए इसमें एक अवयव, a अल्फा इस प्रकार है कि a अल्फा डॉट x बराबर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। अरे ये अवयव 1 से लेकर n है, इनमें एक अवयव ए अल्फा डॉट एक्स है या नहीं है? इनमें एक अवयव ए अल्फा डॉट एक्स है, और ए अल्फा डॉट एक्स है तो वो इधर के किसी न किसी एक एलिमेंट के बराबर होगा, और मैंने वो किसके बराबर मान लिया, 1 के बराबर। तो x नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू r के लिए एक अवयव ए अल्फा बिलोंग्स टू r, ए अल्फा बिलोंग्स टू r इस प्रकार है कि ए अल्फा डॉट एक्स बराबर 1। इसका मतलब क्या निकला कि आपने x को ए अल्फा से गुणा किया है तो 1 आया है, और 1 बताओ अपना क्या है, 1 है वो गुणन तत्समक अवयव है। तो आपने x को ए अल्फा से गुणा किया तो गुणन तत्समक अवयव आया। इसका मतलब x एलिमेंट जो है, x एलिमेंट को आपने माना कौन सा अवयव था, अशून्य अवयव माना था, तो x एलिमेंट का प्रतिलोम कितना आ गया, ए अल्फा आ गया, और ए अल्फा भी किस में आ रहा है, रिंग में आ रहा है। इसका मतलब x एलिमेंट अशून्य अवयव x का प्रतिलोम ए अल्फा है, और ए अल्फा भी रिंग में है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रिंग में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम में उपस्थित होता है। तो यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज मेरे को लिखनी पड़ेगी, क्या लिखनी पड़ेगी, अर्थार्थ वलय आर के अशून्य अवयव, वलय आर के अशून्य अवयव एक्स का गुणन प्रतिलोम ए अल्फा बिलोंग्स टू आर है। भाई जो वलय आर थी, अरे ए अल्फा को एक्स से गुणा किया तो 1, तो एक्स का प्रतिलोम ए अल्फा हो गया, तो वलय आर के अशून्य अवयव एक्स का गुणन प्रतिलोम ए अल्फा बिलोंग्स टू आर है, और इसमें अशून्य अवयव एक्स का गुणन प्रतिलोम हो गया, ऐसे ही प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। अतः वलय आर में प्रत्येक, जैसे x का गुणन प्रतिलोम ए अल्फा है ना, वैसे ही प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। अतः वलय R में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि, तो तत्सम की भी बता दिया यहां से, तो तत्सम की बता दिया, और यहां से प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम बता दिया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि वलय आर एक क्षेत्र है, तो वलय आर को मैंने क्या बता दिया, क्षेत्र बता दिया। तो दोस्तों इंपोर्टेंट थ्योरम थी, एक बार इसको उतारो फिर इसके बारे में मैं दोबारा से बताता हूं।
इस थ्योरम में अपन ने किया क्या है, सबसे पहले तो अपने को दिया था शून्य भाजक रहित क्रम विनिमय तत्सम की वलय आर था, और शून्य भाजक रहित क्रम विनिमय तत्सम की वलय आर को अपने को क्षेत्र बताना था। क्षेत्र बताने के लिए दो चीज़ें बतानी थी, एक तो इसमें गुणा के लिए तत्समक अवयव उपस्थित होता है, और दूसरा है कि इसमें प्रत्येक शून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित होता है। तो ये भी बता दिया मैंने गुणा के लिए तत्समक अवयव और प्रत्येक शून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम बता दिया। सबसे पहले इसके लिए भाई वलय है वो परिमित है, परिमित है तो इसमें एन अवयव ए वन ए टू ए एन मान लिए, और एक्स इस वलय का कोई अशून्य अवयव मान लिया। अब इसमें गुणा संक्रिया के लिए संवर्ता नियम की पालना होती है, तो एक्स को प्रत्येक एलिमेंट से गुणा किया तो ए वन एक्स ए टू एक्स ए थ्री एक्स ए एन एक्स सारे के सारे रिंग के एलिमेंट हो गए। अब मेरे को ये बताना था कि ये जो ए वन एक्स ए टू एक्स ए एन एक्स जो एलिमेंट बने वो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से मैंने बताया, और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बताया तो इसमें मैंने विरोधाभास से मैंने कोई भी दो एलिमेंटों को बराबर मान लिया जो कि गलत आ गया, तो फिर मैंने बता दिया कि ये सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग हैं। इसका मतलब रिंग में रिंग है उसमें ए वन एक्स ए टू एक्स ए एन एक्स एलिमेंटों का सेट बना, और दूसरा जो सेट बना वो ए वन ए टू ए एन एलिमेंटों का सेट बना, दोनों सेट बराबर हैं क्योंकि दोनों में एन एन एलिमेंट हैं। अब मैंने क्या किया कि भाई एक्स जो एलिमेंट है वो वलय का है, तो एक्स एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट ए एल, रिंग में ऐसा है कि ए एल को एक्स से गुणा किया तो एक्स आया। अब जो रिंग क्रम विनिमय है तो ए एल डॉट एक्स को आपने एक्स डॉट ए एल लिख दिया, इसको इक्वेशन टू दे दिया। इसके बाद में मैंने वलय का एक एलिमेंट वाई माना, जो वलय आ रहा है उसका एक एलिमेंट वाई माना। अब वाई के लिए भी एक एलिमेंट ए एम होगा वलय में, तो वाई के लिए एक एलिमेंट ए एम इस प्रकार होगा वलय में कि ए एम डॉट एक्स बराबर वाई आ गया, और क्रम विनिमय है तो उसको एक्स डॉट ए एम लिख दिया। अब y एलिमेंट भी रिंग का है, al एलिमेंट भी रिंग का है, तो y डॉट al और al डॉट y को ये कंडीशन लगा के y बता दिया, तो y डॉट al बराबर y हो गया। तो इस y एलिमेंट को इस एलिमेंट से गुणा करने से वापस y आ रहा है, इसका मतलब ये गुणन तत्समक अवयव है, तो गुणन तत्समक अवयव है तो al का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब रिंग में एक एलिमेंट 1 उपस्थित है। अब मैंने बोला कि भाई x एलिमेंट नॉन जीरो है रिंग का, उसके लिए एक एलिमेंट ए अल्फा रिंग का ऐसा है कि ए अल्फा को अगर आप x से गुणा कर रहे हो तो ए अल्फा को x से गुणा करने से 1 बना, ए अल्फा को x से गुणा करने से कितना बना, 1 बना। इस और इसका मतलब ये हुआ कि x का प्रतिलोम है वो ए अल्फा है, x को ए अल्फा से गुणा करने से अपना गुणन तत्समक अवयव आया है तो x का प्रतिलोम ए अल्फा है, और x क्या था अपना अशून्य अवयव, x का प्रतिलोम ए अल्फा है और ए अल्फा बिलोंग किस में कर रहा है, r में कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वलय r में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है, और वलय r में प्रत्येक अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है और अपनी तत्सम की भी है, तो इसका मतलब जो वलय r है वो क्या एक क्षेत्र है। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने ये थ्योरम की थी, आप इसको उतारिए, है वेरी इंपॉर्टेंट ये। चले आगे, अब इस लेक्चर के अलावा दोस्तों इसके अंदर एक लेक्चर और होगा अपना, इस चैप्टर में एक लेक्चर और होगा, उसके बाद में फिर ये समाप्त हो जाएगा। एक थ्योरम है और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, सिद्ध करो कि प्रत्येक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होता है एक फील्ड होता है। देखो थ्योरम बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं भाई, फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है, जो क्षेत्र होता है वो पूर्णांकीय प्रांत होता है। क्या पूर्णांकीय प्रांत का क्षेत्र होना जरूरी है, जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने बोल दिया कि भाई जेड प्लस डॉट है वो पूर्णांकीय प्रांत होता है लेकिन क्षेत्र नहीं होता, बिल्कुल बात आपकी बात से सहमत हूँ मैं। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूँ, थोड़ा सा क्या कर दूँ इसमें
करेक्शन कर दूं और करेक्शन कर दूं और ये बोलूं कि अगर ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन मतलब परिमित पूर्णांक या प्रांत है, तो वो हमेशा क्या बन जाता है, एक फील्ड बन जाता है। इंटीग्रल डोमेन का फील्ड होना, इंटीग्रल डोमेन का फील्ड होना जरूरी नहीं है, लेकिन फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होता है वो हमेशा क्या होता है, एक फील्ड। जैसे फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन का एग्जांपल जेड टू प्लस टू डॉट टू, जेड थ्री प्लस थ्री डॉट थ्री, जेड फाइव प्लस फाइव डॉट फाइव, जेड सेवन प्लस सेवन डॉट सेवन, जेड ग्यारह प्लस ग्यारह डॉट ग्यारह, ये सारे के सारे। जेड ग्यारह के अंदर आपको पता है 11 एलिमेंट होते हैं, जेड सेवन में 7 एलिमेंट होते हैं, जेड फाइव में 5 एलिमेंट होते हैं, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तो सारे के सारे क्या हैं, फील्ड है। अब जेड प्लस डॉट है, जेड प्लस डॉट है ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन थोड़ी है, ये तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, इस कारण ये फील्ड नहीं बन पा रहा। तो आज के बाद में ध्यान रखना दोस्तों कि जहां भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन का फील्ड होना जरूरी नहीं है। देखो तीन चीज बोलता हूं मैं, प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत होता है, दूसरा पूर्णांकीय प्रांत का क्षेत्र होना जरूरी नहीं, तीसरा जो परिमित पूर्णांकीय प्रांत होता है वो हमेशा क्षेत्र होता है, इसको ध्यान रखना। और इसका प्रूफ तो अपन ने जो अभी पहले किया था वही, क्योंकि उसमें अपन ने परिमित भी लिया लिया था, शून्यभाजक रहित भी ले लिया था, भाई फाइनाइट भी ले लिया था, शून्यभाजक रहित भी ले लिया था और अपना क्रम विनिमय भी ले लिया था। भाई पूर्णांकीय प्रांत की परिभाषा क्या होती है, एक ऐसी वलय जो शून्यभाजक रहित हो और तत्सम की हो, और इसके अलावा अपने यहाँ शून्यभाजक रहित हो, तत्सम की और क्रम विनिमय हो, वही तो अपना पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है। और वो परिमित पूर्णांकीय प्रांत, तो थ्योरम का, इस थ्योरम का जो प्रूफ करना है वो तो वही करना है जो अभी पीछे किया था। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिख देता हूँ, सिद्ध करूं कि प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है, फाइनाइट जो इंटीग्रल डोमेन होता है एक क्षेत्र होता है। प्रूफ में क्या लिखेंगे, माना कि कैपिटल आर एक परिमित है, माना कि कैपिटल आर एक परिमित पूर्णांकीय प्रांत है, अर्थात कैपिटल आर एक क्रम विनिमय तत्सम की वह शून्यभाजक रहित वलय है। और क्षेत्र बताना है, क्षेत्र बताना है तो बस केवल इतना सा बताना पड़ेगा, प्रत्येक शून्य भी वो गुणात्मक प्रतिलोम है, हमें कैपिटल आर को क्षेत्र सिद्ध करना है। इसके लिए हम यह सिद्ध करेंगे कि ऑफलाइन क्लास के बच्चों के नहीं करवाया था, अपनी सॉलिड साइंस पॉइंट के वो कर लेना। इसके लिए हम यह सिद्ध करेंगे कि कैपिटल आर में प्रत्येक शून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित होता है, ठीक है। और इसके नीचे जहां पे मैंने पिछली थ्योरम में वो माना था ना, माना वलय आर में
एन अवयव ए वन ए टू ए एन, इसके आगे का सेम टू सेम पूरा का पूरा छाप देना, इसके आगे का पूरा छाप देना पिछले थ्योरम से। लिख देंगे कॉपी विद प्रीवियस थ्योरम, अभी ये थ्योरम बताया था ना उसकी कॉपी कर देना इसके आगे। दोस्तों देखो पिछले थ्योरम में तो अपने को तत्सम की बताना पड़ा था, लेकिन अब की बार तत्सम की दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ लेकिन आपको प्रत्येक का शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम तो तब होगा जब आपको वो पूरा का पूरा सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई ए वन ए टू ए एन एलिमेंट है, एक्स नॉन जीरो एलिमेंट है, पूरा का पूरा इसके आगे वो कॉपी कर देना। तो आपने ये कोरोलरी बन के था और या थ्योरम बन के जो भी था, तो याद रखना हमेशा कि क्षेत्र होता है वो पूर्णांकीय प्रांत होता है। पूर्णांकीय प्रांत का क्षेत्र होना जरूरी नहीं, लेकिन फाइनाइट पूर्णांकीय प्रांत होता है। कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है पूर्णांकीय प्रांत से पहले? फाइनाइट। फाइनाइट पूर्णांकीय प्रांत होता है वो हमेशा क्या होता है, एक क्षेत्र। तो यहाँ से यहाँ तक तो लिख देना। फिर जहाँ पे पिछली थ्योरम में ये चीज़ मान के चले थे ना एन अवयव रिंग के अंदर है, वहाँ से आगे का पूरा मैटर आपको कॉपी कर देना है। ठीक है दोस्तों, आप इसको उतारिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। इसको तो हटा देता हूँ, ये इस थ्योरम का पार्ट थोड़ी है ये इधर वाला, स्टार्टिंग से नहीं है, पार्ट तो है लेकिन। और इसके आगे वो जो पिछली थ्योरम में किया था यहां से वो पूरा का पूरा कॉपी कर देना। अब देखो एक तो मैं थ्योरम करवाऊंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर अपना जो होगा उसमें एक तो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10, और कुछ डेफिनेशन है करैक्टरिस्टिक की, या वलय का विलक्षण तो मैं आपको अभी बता देता हूं, एक टॉपिक डाल देते हैं अपन। एक लेक्चर और होगा भाई, चलो इसको उठा देता हूं, छोटी सी डेफिनेशन और लिख देते हैं इसमें। करैक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, करैक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, ये टॉपिक अपना। करैक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग वलय का अभिलक्षण है, हिंदी में क्या बोला जाता है, वलय का अभिलक्षण है। ये कोचिंग में नहीं करवाया था जब अपना क्लोज हुआ था लास्ट। वलय का अभिलक्षण क्या होता है कि मान लो कि एक वलय है R प्लस टू, एक वलय है, उस वलय में छोटे से छोटा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n इस प्रकार हो कि n को उस वलय के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा कर दे तो जीरो बन जाए, और जीरो क्या है उस वलय का योज्य तत्समक अवयव है। तो जो n होता है उसको उस वलय का अभिलक्षण कहा जाता है। एक बार मैं परिभाषा लिखा देता हूँ फिर समझाता हूँ एग्जाम्पल से। माना कि R प्लस डॉट एक पे वलय है, तब वलय का विलक्षण, वलय का करैक्टरिस्टिक वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n होता है कि n को a से गुणा कर दे तो जीरो आना चाहिए फॉर ऑल a belongs to R। कहने का मतलब है कि R प्लस डॉट एक वलय है, R प्लस डॉट एक वलय है,
एक ऐसा न्यूनतम मतलब छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक कि उस धनात्मक पूर्णांक को वलय के प्रत्येक एलिमेंट फोर ऑल ए बिलोंग्स टू आर वलय के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा कर दे तो जीरो आ जाए। जीरो का क्या है, जहां जीरो वलय का योज्य तत्समक अवयव या योज्य तत्समक अवयव को क्या कहा जाता है भाई, शून्य अवयव है। तो ये वलय की अभिलक्षण की परिभाषा है। और एक और लिख देता हूं, अगर मान लो आपको ऐसा धनात्मक पूर्णांक n नहीं मिला तो उस वलय का जो अभिलक्षण होता है या तो जीरो होता है या फिर उसका अभिलक्षण को कितना माना जाता है, अनंत माना जाता है। तो ये नोट पॉइंट बना के लिख दूंगा मैं। यदि इस प्रकार के किसी n का अस्तित्व न हो तो वलय का अभिलक्षण, यदि इस प्रकार की किसी n का अस्तित्व न हो तो वलय का अभिलक्षण शून्य या यदि इस प्रकार के किसी n का अस्तित्व न हो तो वलय का अभिलक्षण शून्य या अनंत होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं कोई भी वलय अपनी मन मर्जी से कोई वलय लिख लेता हूं, जैसे जेड सिक्स प्लस सिक्स और डॉट सिक्स, ये एक वलय है। तो आप तो ध्यान रख लेना कि ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ना, यही इसका अभिलक्षण होता है। डायरेक्ट का अभिलक्षण सिक्स है, का अभिलक्षण छह है, क्योंकि देखो जेड सिक्स में एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। सबसे पहला एलिमेंट उठाओ आप एन ए करते हैं ना, तो एन अभिलक्षण को मैंने सिक्स बताया, तो सिक्स को आप गुणा करो, गुणा का मतलब डॉट सिक्स जीरो करो, जीरो आएगा। सिक्स का आप डॉट सिक्स वन के साथ करो, इस वलय के प्रत्येक एलिमेंट के साथ करो, जीरो आएगा। सिक्स को डॉट सिक्स टू के साथ करो तो भी जीरो आएगा। सिक्स को डॉट सिक्स थ्री के साथ करो, जीरो आएगा। सिक्स को डॉट सिक्स फोर के साथ करो, जीरो आएगा। सिक्स को डॉट सिक्स फाइव के साथ करो, जीरो आएगा। तो सिक्स को प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करने से जीरो आ रहा है, जीरो योज्य तत्समक अवयव है। तो मैं क्या लिखूंगा, अतः सिक्स गुणा संक्रिया डॉट सिक्स ए बराबर जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ए रिंग का प्रत्येक एलिमेंट, देखो आपने रिंग के पांच एलिमेंटों को लिख दिया और प्रत्येक के साथ गुणा करने से जीरो हो गया। तो यही तो कंडीशन थी कि ऐसा छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n जिसको वलय के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करने से वलय का योज्य तत्समक अवयव आ जाए, ऐसे n को वलय का अभिलक्षण कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे अभिलक्षण कितना हो गया, सिक्स। स्पष्ट है कि वलय का अभिलक्षण सिक्स है। ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर एक मान लो। एग्जाम्पल नंबर दो, जैसे मान लो वलय आपको दी है जेड फाइव, आर बराबर रिंग जेड फाइव, तो जेड फाइव के साथ में प्लस फाइव और डॉट फाइव संक्रिया होती है, तो इस वलय का अभिलक्षण को सी एच ऑफ आर से लिखा जाता है। सी एच मतलब करेक्टरिस्टिक, सी एच मतलब करेक्टरिस्टिक बोले तो अभिलक्षण, तो इसका अभिलक्षण कितना हो जाएगा, पांच। तो ये जो जेड के नीचे लिखा होता है ना, जो सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है, वही उसका अभिलक्षण होता है, या फिर वलय में एलिमेंटों की संख्या तो नहीं बोल सकते, फाइनाइट वलय की बात करेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं नोट, इतना सब कुछ लिखने के बाद में, कि वलय
जेड एम प्लस एम डॉट एम का विलक्षण, कितना होता है? एम होता है। एम न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ऐसा है जिसको इस वलय के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करने से जीरो आ जाए। भाई जेड सिक्स प्लस सिक्स डॉट सिक्स में सिक्स ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है कि सिक्स को इस वलय के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा कर दिया तो जीरो जीरो आ रहा है। तो इस सिक्स को क्या कहा जाता है? वलय का अभिलक्षण कहा जाता है। यहाँ पे फाइव है तो वलय का अभिलक्षण फाइव हो गया। तो मैंने नोट बना के लिख दिया कि जेड एम प्लस एम डॉट एम का जो अभिलक्षण होता है वो कितना होता है? एम। एक एग्जाम्पल नंबर थ्री। सबसे पहले तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद में फर्स्ट एग्जाम्पल, फिर ये, फिर नोट और फिर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल थ्री की वलय जेड प्लस डॉट, जैसे वलय जेड प्लस डॉट भी तो वलय होती है, वलय जेड प्लस डॉट का अभिलक्षण। देखो जेड प्लस डॉट है, पूर्णांकों की वलय होती है। क्या आप ऐसा कोई नंबर ढूंढ सकते हो क्या छोटे से छोटा कि उसके प्रत्येक इंटीजर से गुणा करने से जीरो हो जाए? अरे कोई भी, जैसे आपने कोई भी, आप एक ऐसा नंबर ढूंढ के बताओ मेरे को जिस नंबर को प्रत्येक इंटीजर से गुणा कर दो तो जीरो बन जाए। कभी कभी ऐसा पॉसिबल है क्या? जैसे फाइव है, फाइव को जीरो से किया जीरो, फाइव को वन से किया जीरो आएगा? नहीं। फाइव को टू से किया जीरो आएगा? नहीं। तो आपको ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मिल सकता है क्या कि जिसको इस रिंग के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करने से अपना जीरो बन जाए? पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं बोल दूंगा कि वलय जेड प्लस डॉट का विलक्षण शून्य या अनंत होता है। और क्यों होता है? देखो आपको ऐसा n अगर ना मिले, अगर आपको ऐसा n ना मिले कि जिसको वलय के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करने से जीरो हो जाए, ऐसा n ना मिले, ऐसे n का अस्तित्व न हो, तो वलय का विलक्षण जीरो या अनंत होता है। और आपको जो वलय z प्लस डॉट है इसमें क्या आपको ऐसा धनात्मक पूर्णांक n मिल जाएगा क्या? n नहीं मिलेगा। तो इस वलय का विलक्षण शून्य या अनंत होता है। तो ये मैंने करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग वलय के विलक्षण के बारे में बता दिया। अब आगे अपन पूर्णांक के प्रांत का विलक्षण बताएंगे, वो अगला जो भी अपना होगा लेक्चर उस पर बताएंगे। एक लेक्चर और है, एक घंटे सवा घंटे का एक लेक्चर और होगा, उसमें मैं सबसे पहले तो आपको पूर्णांक के प्रांत का विलक्षण बताऊंगा, एक आधा एग्जाम्पल है वो बताऊंगा, और एक थ्योरम बची है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपन अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इनको समझना ध्यान से, और अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिस्टार्ट करके देखा करो। वैसे तो मैंने एक एक चीज़ सारी बता देता हूँ मैं, और साथ के साथ में अपने जो क्लास नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करते रहना। धन्यवाद।